वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्स द अफेयर पार्ट 26। कहानी के पहले हिस्से में आज कोल की कहानी बयां होगी। वो अब एक खुशहाल जिंदगी बिता रहा है लुइजा के साथ। उसकी ये चिंता थी कि वो कभी भी बाप नहीं बन पाएगा, क्योंकि लुइजा माँ बन ही नहीं सकती। ये सब जब हुआ था तब लुइजा इसका इलाज नहीं करा पाई थी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। कोल ने भी बाप बनने की उम्मीद छोड़ दी थी, पर जब एलिसन उसे जोनी को दे गई तब उसने उसी में अपनी खुशियाँ ढूंढ ली। पर अब एलिसन जोनी को वापस लेने आई है। ऐसे में वो क्या करने वाला है? हमेशा की तरह एलिसन के सामने कमज़ोर पड़ जाएगा या फिर एक कठोर फैसला लेगा? पर जो भी हो, उसके सुबह की शुरुआत बड़ी अच्छी होती है। सुबह उठते ही जोनी इन दोनों के कमरे में आ जाती है। कोल उसे अपने बेड पर चढ़ाता है। लुइजा और कोल दोनों जोनी से बातें करते हैं, उसका माथा चूमते हैं, फिर दिन की प्लानिंग करते हैं। अब जोनी के बर्थडे की प्लानिंग चल रही है। आज ही उसका बर्थडे है। कोल ने सभी बच्चों के लिए धूप के चश्मे लिए हैं, जिसमें चश्मे के बगल में सभी बच्चों के नाम हैं। कोल जानता है कि एलिसन ज़रूर आएगी, पर लुइजा को ये पसंद नहीं। इसी बात पर वो कोल से लड़ पड़ी, पर कोल ने उसे मना लिया ये कहकर कि जोनी को इससे अच्छा लगेगा। उसने कहा, हमें जोनी की खुशियों का भी तो ख्याल रखना होगा। और इस तरह कोल ने लुइजा को मना ही लिया। जोनी की कस्टडी का मामला कोर्ट में चल रहा है। एलिसन ने केस किया है। समय बटा हुआ है जोनी कब किसके पास रहेगी इसके लिए। आज कोर्ट की तरफ से निरीक्षक भी आई है। जब कोल जोनी को एलिसन के पास ले गया बटे हुए समय के मुताबिक, तब निरीक्षक एक एक पॉइंट को नोट की जा रही थी। उसके नोट से ये डिसाइड होगा कि एलिसन एक बेहतर माँ है या नहीं। जब जोनी झूले पर ऊपर चढ़ी तब एलिसन डर गई। उसने जोनी को बार बार रिक्वेस्ट किया नीचे आने के लिए। इस मोमेंट में उसने जोनी को अच्छे से संभाला। इस बात को निरीक्षक ने नोट भी किया। ये सब कोल भी देख रहा है। वो ये देख रहा है कि जोनी एलिसन को कितनी अजीज है। उसने भी अब कुछ मन बना लिया है, पर वो लुइजा को कैसे समझाएगा? घर पहुंचकर उसने लुइजा से इस बारे में बात की। लुइजा ने कहा, 2 हफ्तों में कोर्ट की तारीख है, इसके बाद जोनी हमारी हो जाएगी, और तुम उसे एलिसन से मत मिलने देना। कोल ने कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वो उसकी माँ है। आज तुमने देखा नहीं, दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे थे। लुइजा ने उसकी बात को काटते हुए कहा, जो माँ अपनी बेटी को बीमारी में छोड़कर चली गई और जब ठीक हो गई तो वापस आ गई उस पर हक जताने, तुम उसकी साइड ले रहे हो। फिलहाल कोल कुछ नहीं कह पाया। पार्टी अब शुरू हो गई है। इस पार्टी में ऑस्कर भी आया है। ऑस्कर से बातें करने के बाद कोल ने एलिसन को आते हुए देखा। वो केक लाई है। एलिसन को देखते जोनी दौड़ते हुए अपनी माँ के पास गई। एलिसन ने उसका माथा चूमा। जोनी को घोड़े बहुत पसंद हैं। एलिसन उसके लिए छोटा घोड़ा भी लाई है उसकी सवारी के लिए। कोल ने ये केक तो ले लिया, पर लुइजा भी केक लाई है। ये थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है कोल के लिए। जब केक कट रहा था तब एलिसन दूर खड़ी थी और लुइजा एक माँ की तरह सब कुछ कर रही थी। कोल तो एलिसन को अपनी बेटी के समीप जाने की इजाज़त दे रहा था, पर एलिसन ने सिचुएशन के बिगड़ जाने के डर से दूर रहना ही उचित समझा। इन सब के बाद जोनी ने उस घोड़े की सवारी की जिसे एलिसन लाई है, पर सवारी के वक्त ही वो ज़मीन पर गिर पड़ी। एलिसन दौड़ते हुए उसे उठाने गई। लुइजा को कोल ने नहीं जाने दिया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया था। लुइजा ने उस पर अपना गुस्सा भी उतारा और पार्टी को छोड़कर अंदर चली गई। एलिसन ने जोनी को संभाल लिया है। कोल उसके नज़दीक गया और जोनी से कहा, ये गिरना उठना तो लगा रहता है। इसके बाद उसने फिर से उसे घोड़े पर बिठा दिया। वो नहीं चाहता कि जोनी के मन में डर बैठ जाए और फिर वो इस डर से डर ही जाए। जोनी ने फिर से घोड़े की सवारी की और इस बार जब वो नहीं गिरी तब एलिसन ने कोल का शुक्रिया कहा। कोल ने ऐसा करके एलिसन को गिल्टी महसूस करने से भी बचा लिया। पर अभी घर के अंदर उसे लुइजा का सामना करना है। जैसे वो घर के अंदर पहुंचा तब लुइजा एलिसन वाले केक को कहीं और ले गई है। उसका उसने क्या किया है ये हमें आगे पता चलेगा। लुइजा ने कहा, ये शहर मेरा नहीं है, ये बच्ची मेरी नहीं है, पर फिर भी मैंने सब कुछ एडजस्ट किया। मैं उस बच्ची को अपना बनाना चाहती हूँ, ये जानकर भी कि उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। अब एलिसन भागने के बाद वापस आ गई है और सब वापस लेने की कोशिश कर रही है। तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम अंधे हो क्या? कोल ने कहा, देखो हमने एक घर बनाया है, हम सब उसमें खुशी से रहते हैं। मैं तो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ, जोनी के साथ, एलिसन के साथ। मैं मानता हूँ कि उसने कुछ गलतियाँ की हैं, पर वो उसकी माँ है। मैं एक माँ को उसकी बच्ची से दूर रखने का पाप नहीं कर सकता। लुइजा ने कहा,
पर उसी ने तो उसे हमारे दरवाजे पर छोड़ दिया था। ऐसे में वो हमारी हुई ना, वो माँ कहलाने के लायक नहीं है। कोल भी उस पर गुस्सा हुआ। तुम क्या चाहती हो, उसकी इस गलती के लिए मैं उसे जेल भेज दूँ? उसके डर के लिए? वो उस समय डर गई थी, वो उसे खोना नहीं चाहती थी, पहले एक बच्चा वो खो चुकी थी। लुइजा ने कहा, यह सब मैं नहीं जानती, मैं उसके साथ कैसे लड़ सकती हूँ तुम मुझे ये बताओ। कोल ने कहा, ये कोई लड़ाई नहीं है लुइजा, तुम समझती क्यों नहीं, तुम मेरी बीवी हो, कम से कम इस बात का तो ख्याल करो। इन सब बातों के बीच पुलिस इनके घर आई है। कोल को कुछ समझ नहीं आया। पुलिस में से एक शख्स ने कहा, आपने नोवा सोलोवे की खबर सुनी, उनके ऊपर हमला हुआ है, उन्हें चाकू से मारा गया है, आप बस ये बताएं कि पिछले बुधवार की रात को आप कहाँ थे। कोल ने कहा, दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे तो मालूम भी नहीं कि वो जेल में है या बाहर है। पुलिस ने कहा, हमें अपना प्रोसीजर फॉलो करना है, हमें आपके पहली बीवी, आपके भाई, इन सब की जानकारी चाहिए। लुइजा ने आकर कहा, इंस्पेक्टर ये उस रात मेरे साथ थे, अब आप जाइए। इस तरह फिलहाल पुलिस यहाँ से चली गई है। कोल इस सब के बारे में जानने पहुँचा एलिसन के पास। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो जेल से बाहर आ गया है? उस कमीने ने मेरे भाई को मार डाला, और तुम इतना तो बता सकती थी कि वो बाहर आ गया है। एलिसन ने कहा, मैं तुम्हें बताने वाली थी, मैं ये भी नहीं जानती थी कि पुलिस तुम तक आ जाएगी। कोल ने कहा, एलिसन तुम क्या चीज़ हो, उस कमीने ने मेरे भाई को मार डाला और अब वो आज़ाद घूम रहा है, हम यहाँ फंसे हुए हैं, और तुमने इस बारे में बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। अगर उसने इस शहर में गलती से भी कदम रखा तो मैं उसे मार दूंगा। एलिसन ने कहा, मेरा उसे अब कोई संपर्क नहीं है। इस पर कोल का जवाब था, वो सब कुछ भी हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, पर जब भी मैं अपनी ज़िंदगी में खुश होता हूँ, सब ठीक चल रहा होता है, तुम कोई ना कोई मुसीबत लेकर आ जाती हो, तुम्हारी वजह से मैं लुइजा से कितना लड़ूं? अगर तुम्हें जॉनी को वापस लेना था तो दिया ही क्यों, अब मैं अपने आप को तो संभाल लूँगा, लुइजा का क्या करूँ? सच तो ये है कि तुम्हें मेरी खुशियाँ देखी नहीं जाती, जैसे तुम देखती हो कि मैं खुश हूँ, तुमसे बर्दाश्त नहीं होता और तुम आ जाती हो मुझे परेशान करने। एलिसन ने कहा, मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं तो चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, और मैंने उसे किसी गैर के पास नहीं छोड़ा था, उसके बाप के पास छोड़ा था, इसके लिए तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं अपने आप से कितनी नफरत करती हूँ, और इसके लिए कोर्ट जो भी सजा देगी मुझे मंजूर होगा। कोल ने थोड़ा नरम होते हुए कहा, हम तुम्हें सजा नहीं देना चाहते एलिसन, हम सिर्फ जॉनी की बेहतरी के लिए ये सब कर रहे हैं। एलिसन ने कहा, मैं जानती हूँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे कैसा लगता है जब मैं अपनी ही बेटी से हफ्ते में सिर्फ एक बार मिलती हूँ, पूरे हफ्ते उस दिन का इंतज़ार करती हूँ, और जब मिलती भी हूँ तब एक अजनबी के सामने जो मुझे हमेशा उसे नहलाते हुए खिलाते हुए देखती रहती है, मेरा हिसाब रखती है, ये सब मुझे बहुत बुरा लगता है। एलिसन ने भावुक होते हुए कहा, पर मैं कर रही हूँ और मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करती, प्लीज़ मुझ पर थोड़ा रहम करो, आज जो तुमने किया उसके लिए शुक्रिया, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल नहीं लाना चाहती। कोल हमेशा एलिसन के सामने कमज़ोर हो जाता है, ये सब बातें उसे भी उसके प्रति नरम कर गई। और अब कहानी का दूसरा हिस्सा जिसमें एलिसन की कहानी बयां होगी। हफ्ते का एक दिन जब वो जॉनी से मिलती है, उसका बेस्ट डे होता है। जॉनी को जन्म देने में उसने सब कुछ अकेले ही संभाला था। नोआ तो उस समय अपनी किताब के सिलसिले में पार्टी अटेंड कर रहा था। उस तूफानी रात में वो खुद को हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल में कोई स्टाफ नहीं था, सिर्फ एक डॉक्टर थी। तूफान की वजह से लाइटें भी नहीं थी, पर फिर भी उस मुश्किल समय में एलिसन ने हिम्मत नहीं हारी और जॉनी को जन्म दिया। पर अब उसी से मिलने के लिए उसे इंतज़ार करना पड़ता है, और मिलती भी है तब एक निरीक्षक हमेशा उस पर नज़र रखती है। इन सब के बाद भी आज जॉनी के बर्थडे पर वो उसे पार्क में झूले पर खिला रही है। जब वो ऊपर चढ़ी तब एलिसन की सांसें भी रुकी, उसे डर था कि कहीं जॉनी गिर ना जाए, पर सब ठीक था जब वो नीचे उतरी। जब वो नीचे उतरी तब एलिसन ने उसका माथा चुमा, मेरी बहादुर बच्ची। बाद में जब एलिसन उसे खाना खिला रही थी तब जॉनी ने पूछा, आपको याद है जब मैं पैदा हुई थी उस समय दिन था या रात? उस रात को याद करके एलिसन भावुक हो गई। उसने जवाब दिया, रात थी, उस समय तेज़ बारिश हो रही थी, भयंकर तूफान था, हवा इतनी तेज़ थी कि मुझे लगा खिड़कियां ही उड़ जाएंगी। जॉनी ने पूछा, क्या पापा वहाँ थे? एलिसन ने इस पर झूठ बोला, हाँ पापा वहाँ थे, वो मुझे टॉफ़ी खिला रहे थे, उस समय वो इतना ही कर सकते थे। इसके बाद कोल उसे ले गया। एलिसन ने जॉनी से वादा किया कि वो पार्टी में उससे मिलेगी एक सरप्राइज़ के साथ। जाते हुए एलिसन ने कोल से पूछा,
निरीक्षक को मेरा व्यवहार कैसा लगा? वो मुझे पास तो कर देंगे ना? कोल ने कहा, हम तुम्हारे बारे में बात नहीं करते, अब तुम मुझे जाने दो, पार्टी की तैयारियां करनी है। वो डायरेक्टली एलिसन को आने से मना नहीं कर पा रहा। अब एलिसन अपनी बेटी की बर्थडे के लिए ढेर सारी तैयारियां कर रही है, केक भी खुद ही बना रही है। वो जानती है कि जोनी को अखरोट से एलर्जी है, इसलिए उसने इस बात का ध्यान रखा कि केक में अखरोट ना हो। उसने कुछ लकड़ी के घोड़े बनाए हैं, उन्हें पेंट किया है। उसके बाद वो इस कस्टडी के केस में उस लॉयर से मिली जिसका ओपिनियन बहुत मैटर करता है जोनी की कस्टडी के फैसले के लिए। उसने कहा, मैंने इंडियन योगा ज्वाइन किया है, अब मैं बहुत आत्मविश्वासी हो गई हूँ, मैंने तैराकी भी सीख ली है। लॉयर ने पूछा, ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? इस पर एलिसन ने कहा, आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है, जोनी की तरफ से आप लड़ रहे हैं। वकील ने कहा, देखिए कोर्ट की तरफ से मुझे नियुक्त किया गया है, मैं कोई भी पार्शियलिटी नहीं कर सकता, मुझे सारे प्रोसीजर फॉलो करने हैं बस। लॉयर ने पूछा, क्या आपको कोई नौकरी मिली? एलिसन ने कहा, मैं अभी भी लॉबस्टर रोल की आधे की मालकिन हूँ और नर्स का लाइसेंस भी रिन्यू होने वाला है। वकील ने कहा, मतलब आपके पास कोई नौकरी नहीं है और आपने उस खूनी जिससे शादी की थी, जिसने आपके देवर का खून किया, वो कैसा है? एलिसन ने कहा, मैंने आपको बताया ना, हम अब अलग हो गए हैं, अब मेरा उसे कोई वास्ता नहीं। इस पर वकील ने बोला, पर तलाक तो अभी भी नहीं हुआ। एलिसन को इसका जवाब देना पड़ा, नहीं तलाक तो नहीं हुआ। वकील ने कहा, आप देखिए समस्या मेरी तरफ से नहीं है, आपकी तरफ से है, सारी कमियां आप में हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। परेशान एलिसन को यहाँ से ही मदद नहीं मिली। कार में बैठकर वो अपना गुस्सा उतार रही है, उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही है जोनी को पाने की। जब वो घर में पहुंची तब उसने सोचा कि कुछ राहत के पल बिता लूं, पर जैसे ही वो ऐसा करने वाली थी, पुलिस डिटेक्टिव रोमेरो के साथ यहाँ पहुंची है। उन्होंने कहा, आपके पति पर हमला हुआ है, हमें इस बारे में आपसे पूछताछ करनी है। एलिसन को पहले तो ये सरप्राइज मिला है कि नोआ पर हमला हुआ है, उसके बाद वो अपने आप को नोआ के इस मामले से दूर भी रखना चाहती है। इसकी वजह है जोनी की कस्टडी। उसे इस बात का दुख भी है कि नोआ के साथ ये सब हुआ है, पर उसने कहा, एक साल से मेरी उनसे बात नहीं हुई, तो मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं। डिटेक्टिव रोमेरो अपनी टीम के साथ यहाँ से चला गया। जाते हुए भी एलिसन ने उन्हें रोककर कहा, मुझे इन सब में नहीं पढ़ना, मेरी बेटी की कस्टडी का मामला है, आप प्लीज़ मुझे इन सब में मत समेटिए। डिटेक्टिव रोमेरो ने भी इसके हामी भर दी है। एलिसन ने अपना फ़ोन ऑन किया तो नोआ का वॉइसमेल था, जिसमें उसने कहा है, मैं जानता हूँ कि तुमने फ़ोन करने से मना किया था, पर मैंने फिर भी कर दिया। ये सब सुनकर एलिसन के चेहरे के भाव भी बदले। उसने सोचा एक बार नोआ से बात करें। उसने फ़ोन लगाया पर फ़ोन नहीं लगा। इसके बाद वो केक लिए पार्टी में पहुंची। यहाँ ऑस्कर से भी उसकी मुलाकात हुई। ऑस्कर ने कहा, मैंने सुना है कि तुम नगर परिषद के चुनाव लड़ने की सोच रही हो। कोल भी तुरंत आ गया। एलिसन ने कहा, अभी मैं सिर्फ ऐसा सोच रही हूँ। बर्थडे पर जब एलिसन ने जोनी के करीब जाने की कोशिश की, लुइजा उसे लेकर चली जाती थी। लुइजा पूरी कोशिश कर रही है कि एलिसन जोनी से ज़्यादा मिल भी ना पाए। जब जोनी घोड़े से गिरी तब एलिसन डरी भी। कोल ने आकर उसे संभाला और कहा, घबराओ मत, सब ठीक है। जब वो जाने को हुई तब लुइजा उस केक को लेकर आई जिसे एलिसन लाई थी। उसने कहा, एलिसन तुम इसे ले जाओ, इसे यहाँ कोई नहीं खाएगा। एलिसन ने कहा, पर मैं केक तो जोनी के लिए लाई थी। जाते हुए लुइजा ने एलिसन को काफ़ी कुछ सुनाया। तुम्हें पता भी है कि हमने इस पार्टी के लिए कितनी मेहनत की है, तुमने सब खराब कर दिया। अब तुम बार बार उसके सामने मत आया करो, उसके लिए ये सब ठीक नहीं है, और ये केक भी तुम ही रखो। एलिसन को ये केक लेना ही पड़ा। उसने थोड़ी देर सुना और फिर भावुक होते हुए कहा, वो मेरी भी बेटी है, मैंने जो गलती की उसके लिए मैं हज़ार बार माफ़ी मांगती हूँ। तुमने जो उसकी देखभाल की उसके लिए मैं शुक्रगुजार भी हूँ, पर ये मत भूलो कि मैं उसकी माँ हूँ। तुम सब ले सकती हो, कोल, रेस्टोरेंट, घर, पैसा, सब कुछ, पर वो मेरा हिस्सा है, मैं उसे नहीं दूंगी। इसका लुइजा ने कोई जवाब नहीं दिया और यहाँ से चली गई। केक को वापस लिए एलिसन भी वापस आ गई है। घर पहुंचकर वो फिर से अपनी बेटी के लिए छोटे छोटे खिलौने खुद ही बना रही है, सिलाई कर रही है, पेंटिंग कर रही है। उसने छोटी छोटी कुर्सियाँ बनाई हैं। इतने में कोल यहाँ पहुँचा है गुस्से में। उसने कहा, एलिसन पुलिस मुझ तक क्यों आई थी? एलिसन ने इन सब से इनकार किया और कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। इसके बाद वो सब बातें हुई जो हमने कोल वाले हिस्से में देखी थी। सुबह उठकर वो लाइट हाउस के पास समंदर में नहाने गई। किनारे बैठकर वो उदास है, उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। वो अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहती है उसे कुछ नहीं पता। उसके पास कोई भी नहीं है, रिश्तों के नाम पर उसने सब खो दिया है।
कोल उसके साथ एक अच्छे इंसान की तरह पेश जरूर आता है, पर उससे एलिसन की तकलीफ कम नहीं हो पाती। उसके लिए चारों तरफ अंधेरा है, अब वो कहाँ जाए। एक बार उसने आसमान की तरफ भी देखा, शायद उसे कोई रास्ता नज़र आ जाए। इसके बाद वो साइकिल से रोड की तरफ जा रही थी, तभी उसे दूसरी तरफ से एक कार आती दिखी। कार में नोआ बैठा है। कार काफ़ी आगे जाने लगी। नोआ ने एलिसन को देखा, एलिसन ने भी नोआ को देखा। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। इनके बीच कोई बात हो पाती है कि नहीं, ये हमें कहानी के अगले हिस्से में पता चलेगा। अगर आप आगे की कहानी भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जिंदगी के किसी नए मोड़ पर।